एक पंडित जी हता, ते बारे दयालु हता। एक दिवस ते बहार गाम जवा माटे निकळ्या। चालता चालता जंगल आव्यु। जंगल मा एमणे पांजरा मा पुरायलो सिंह जोयो। अने सिंहे पंडित जी ने जोईने विनंती करी, हे पंडित जी, तमे तो दयालु छो, मने पिंजरा माथी बहार काढो, तमने हूँ सोना मोहर थी भरेली थैली आपीश। अने ए समये पंडित जी ने थयु, सोना मोहर थी भरेली थैली, वाह, मारू नसीब उगड़ी गयु। पंडित जीए लांबो विचार कर्या विना सिंह ने पांजरा माथी बहार काढ्यो। बहार निकळ्यो एटले सिंह कहे, भूख बराबर नी लागी छे, हवे हूँ तने खाई जईश। पंडित जी बहु कगर्या, पण सिंह कहे, ना, हूँ तो तमने खाईश। सिंहे पोतानी जीद न छोड़ी, एटलामां त्यां एक शियाळ आव्यु। पंडित जीए बधी वात तेने करी, पोतानो न्याय करवानुं कह्युं। शियाळ कहे, न्याय करवो खूब ज अघरो छे, तमे मने समजावो के सिंह पहेला क्यां हतो अने पंडित जी तमे पहेला क्यां हता। आवुं सांभळतानी साथे ज सिंह कूदको मारीने पांजरामां ऊभो रही अने बोल्यो, हूँ पहेला अहीं ऊभो हतो। पंडित जीए सिंहने पांजरामां कई रीते बहार काढ्यो ते समजाव्युं। शियाळे पांजरा पासे जई तेनो दरवाजो बंद करी दीधो अने बोल्यो, सिंहराज, तमे पांजरामां हता त्यारे आम ज दरवाजो बंद हतो ने। એટલામાં શિયાળ બોલ્યું, પંડિત જી, તમે હવે આગળ ચાલવા માંડો, કારણ કે સિંહ ઉપર તમે ઉપકાર કર્યો છતાં તે તમને મારી નાખવા માટે તૈયાર થયો। તેથી સિંહરાજ પાંજરામાં સારા એમ કહીને તે જંગલમાં જતું રહ્યું અને વગર વિચારે કામ કરી જાતે ઉભે કરેલી આફતમાંથી પંડિતજી ઉગરી ગયા। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ વાર્તામાંથી આપણને બોધ મળે છે કે જેવા સાથે તેવા, જેવું તમે કરો છો એવું તમને મળે છે।